भारत एक प्राचीन देश होने के साथ साथ अनेक प्रकार की खासियतों वाला देश है। प्राकृतिक और भौगोलिक विविधता के अलावा इस देश में बोली, भाषा, संस्कृति और धर्म जैसे अनेक क्षेत्रों में भी विविधता देखने को मिलती है। सभी धर्मों में उत्सव और त्योहार की परंपराएं मौजूद हैं। ये परंपराएं हमारी विरासत हैं। गणेश चतुर्थी एक ऐसा ही धार्मिक उत्सव है जिसे हर साल बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली उपायों पर आजकल जोर दिया जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन पार्वती जी ने गणेश जी का सृजन किया था। गणेश चतुर्थी के साथ पूरे देश में त्योहारों की शुरुआत होती है। ये त्योहार भारत के अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर, गली, मोहल्ले में करते हैं और रोज उनकी पूजा और आरती करते हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय बन जाता है। भगवान गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इनको गजानंद, गजदंत, गजमुख जैसे नामों से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमा की स्थापना पूरे 9 दिनों तक करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। फिर 10वें दिन बड़े उल्लास के साथ उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रतिमा विसर्जन की यह प्रक्रिया पहले पर्यावरण को ध्यान में रखकर की जाती थी, लेकिन समय के साथ पर्यावरण और प्रकृति की चिंता को हमने धीरे धीरे तिलांजलि दे दी। आज की हालत ऐसी है कि गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा के त्योहारों में प्रतिमा विसर्जन से हमारे आसपास के जल स्रोतों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। हिंदू धर्म परंपरा में गणेश को देवों का देव माना जाता है। इन्हें सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के साथ साथ सबसे दयालु देवता के रूप में समझा जाता है। धार्मिक दृष्टि से उनका सिर हाथी का, सवारी मूषक की, हाथ में कमल और उनका निवास स्थान हिमालय में है। यह इस बात का प्रतीक है कि गणेश जी का प्रकृति से सीधा जुड़ाव है। हमारी संस्कृति में हर एक देवी देवता को प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है, जैसे तुलसी, बरगद, पीपल, आंवला जैसी वनस्पतियों और पेड़ पौधों की पूजा करना, चांद और सूरज के साथ साथ ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों की भी पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। नदियों को माँ का दर्जा हम देते हैं। यही नहीं, हमारी संस्कृति में पहाड़ की भी पूजा की जाती है। हमारी विरासत और हमारी संस्कृति हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है, ना कि उसका दोहन। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से जुड़े रहने के लिए ये सारे त्योहार बनाए हैं। शास्त्रों में यह वर्णन है कि किसी भी त्योहार में पूजा अर्चना के लिए प्रतिमा का निर्माण मिट्टी या गीली रेत से प्रतीक के रूप में किया जाता था। इसके पूजा के बाद उसे जल प्रवाह में विसर्जित कर दिया जाता था। लेकिन आज के जमाने में आधुनिकीकरण, फैशन और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर एक वस्तु का बाजारीकरण हो गया है। भौतिकता हमें प्रकृति से लगातार दूर करती जा रही है। पहले प्रतिमाएं मिट्टी से बनाई जाती थी, लेकिन अब अधिकतर प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक और सीमेंट से बनाई जाती हैं। ये देखने में बेहद आकर्षक लगती हैं, लेकिन इनकी निर्माण सामग्रियों का हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नामक रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है, जिसके पूरी तरह से नष्ट होने में कई साल का समय लगता है। प्रतिमाओं को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए घातक केमिकल्स वाले पेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसमें लेड और मरकरी जैसी हैवी मेटल्स का प्रयोग होता है।
विसर्जन के बाद इन पदार्थों का जल स्रोतों और उनमें रहने वाले जीवों पर बहुत घातक असर होता है। प्रतिमाओं की सजावट के साथ ही पंडालों को सजाने के लिए भी बड़ी मात्रा में थर्मोकोल, मेटल के आभूषण, अनेक प्रकार के प्लास्टिक से बनी सजावटी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोकोल और प्लास्टिक घुलनशील नहीं होते हैं और सजावट के लिए बड़ी मात्रा में फूलों का भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो फूल बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव अपघटनशील होते हैं, लेकिन इनकी ज्यादा पैदावार के लिए जो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, उसके कारण ये फूल भी घातक साबित होते हैं। सजावट में प्रयोग होने वाले कई तरह के रसायन प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद पानी में घुल जाते हैं। पानी के इकोसिस्टम को इनसे अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है। जल ही जीवन है, इसको मद्देनजर रखते हुए और पर्यावरण का पूरा ध्यान देते हुए भारत सरकार का भी यही रुझान है और आम पब्लिक को भी भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसका असर पड़ा है। तो अब के जो मूर्ति की जो स्थापना हुई है विसर्जन तक सभी जो इस तरीके का जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं सभी लोग, उन सभी ने यही मद्देनजर रखे कि इसमें पर्यावरण का विशेषतः ध्यान रखना है। चाहे वो वायु पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण है या और अन्य प्रकार के धूल का प्रदूषण है, जिस तरीके का भी प्रदूषण है उसको ध्यान में रखते हुए कि उसका संवर्धन और संरक्षण हो पर्यावरण का। और ये सब केवल इसी की वजह से कि हम जो पूजा करते हैं या गणेश जी का विसर्जन करते हैं उसकी वजह से पर्यावरण पर जो हम प्लास्टिक हम लोग डस्टबिन में डालते हैं वो डिस्पोज नहीं होता है, वो बस आगे आगे लाइक ड्रेन्स में जाएगा, सी में जाएगा, वो फिशेस में जाएगा, उससे उनको भी बहुत हार्म होता है, उनको सांस ले। आप देखेंगे हम लोग पॉलीथिन रोड पे फेंक देते हैं, जो गाय हैं वो लोग खाते हैं, वो उनके गले में अटकता है एंड इससे इतनी सारी गाय की डेथ हो चुकी है। हम लोग जानवर का नहीं सोचेंगे तो वो भी सफ़र कर रहे हैं, इंसान भी सफ़र कर रहे हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ चुकी है। गणेश चतुर्थी में प्रतिमाओं के विसर्जन से किस तरह से हमारा पर्यावरण और पानी के इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है ये तो हमने देखा। इनसे बचाव के लिए आजकल अनेक ऐसे तरीके उपलब्ध हैं जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है और गणेश चतुर्थी के उत्साह में कोई कमी भी नहीं आने पाती। हमारे आसपास ढेरों ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे हम प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए अपने हर तरह के कार्य कर सकते हैं। बस हमें जरूरत सिर्फ इस बात की है कि लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। लेकिन आज लोग और समाज जागरूक हो रहे हैं, प्रतिमाओं के निर्माण के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पारंपरिक त्रिकोण को अपना रहे हैं। प्रतिमाओं को सजाने के लिए रासायनिक रंगों के बजाय ऑर्गेनिक रंगों का भी इस्तेमाल पर्यावरण के लिए लाभकारी हो रहा है। आजकल बाजार में भी ऐसी प्रतिमाएं मिल रही हैं जिनको आप अपने घर के भीतर किसी गमले में विसर्जित कर सकते हैं और कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि उसमें पौधे पनप रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाता है। इन प्रतिमाओं के निर्माण के दौरान उनमें पौधों के बीज प्राकृतिक खाद के साथ डाल दिया जाता है जो कि बाद में पौधे का रूप ले लेते हैं। हम धातु जैसे कि तांबा, पीतल, ब्रास या चांदी की प्रतिमाएं भी ले सकते हैं जिनका पूजा अर्चना के बाद प्रतीकात्मक रूप से विसर्जन करके अगले साल दोबारा इस्तेमाल के लिए सहेज कर रख सकते हैं। हमें गणेश की बड़े आकार की प्रतिमा के स्थान पर छोटे आकार वाली गणेश प्रतिमा के प्रयोग को महत्व देना चाहिए क्योंकि बड़ी प्रतिमाओं के निर्माण में अधिक मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट का इस्तेमाल होता है जो पर्यावरण को ज्यादा संकट में डालता है। आखिर गणेश चतुर्थी हमारी आस्था का त्योहार है, न कि प्रतिमा के आकार और भव्यता का। गणपति हम लोग बहुत टाइम से बिठा रहे हैं और हमने इतने सालों से यही इंतजार किया, हम यही सिस्टम करते हैं कि सब कुछ इको फ्रेंडली हो, कि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। हम लोग मिट्टी के गणपति बनवाते हैं, हम POP के बिल्कुल अगेंस्ट हैं क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है।
हम ये सोचते हैं कि अगर जो मिट्टी होगी वो बिल्कुल पानी में वो होगा। और इस बार मोदी जी ने भी अलग अलग जगह के एरिया में उन्होंने पॉन्ड्स बनवाए हैं ताकि वहाँ पे गणपति स्थापित हो, विसर्जन हो उनका, और वहीं पे उसमें वापस मिट्टी भर दें ताकि वो सेफ़ रहे। इससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे भी सबको यही बोलते हैं कि जितना कम से कम आप प्लास्टिक का यूज़ कम यूज़ करें, आप मतलब आप इको फ्रेंडली आप घर से बैग्स लाएँ, कैरी बैग्स यूज़ करें। यहीं पर नहीं, हम मार्केट्स में भी हम खुद ही हमारी पूरी फैमिली हम लोग सब कैरी बैग्स यहाँ से घर से लेके जाते हैं, वही यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स के हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। जितना हम प्लास्टिक को अवॉइड करते हैं हम उतना अवॉइड करते हैं उसको। पंडालों में बिजली के खर्च की एक निश्चित सीमा तय होनी चाहिए। बेहतर होगा कि कम खर्च में अधिक प्रकाश देने वाले CFL और LED बल्बों का प्रयोग किया जाए। पंडालों की संख्या को भी सीमित करना होगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए नदी और प्राकृतिक जलाशयों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर पाबंदी लगाकर इसके विकल्प के रूप में अप्राकृतिक विसर्जन टैंक के निर्माण देने की जरूरत है। इसी प्रकार का विसर्जन प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगा। हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमने कई जगह तालाब बनवा दिए, छोटे छोटे खुदाई करवा दिए। एक तालाब इसमें भी है जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ भी एक तालाब बना हुआ है। इस एरिया के जितने भी मूर्ति विसर्जन की जाएंगी उस तालाब में ही की जाएंगी जो NDMC द्वारा बनाया गया। ऐसे NDMC ने 5-6 जगह बनाए हैं। तो इसी तरीके से पूरी दिल्ली में भी विशेष ध्यान रखा गया, जमुना प्रदूषित ना हो और हमारी मूर्ति का विसर्जन भी हो जाए, पॉल्यूशन पर कोई फर्क ना पड़े प्रदूषण पर। तो इसलिए पर्यावरण ठीक रहे इसको मद्देनज़र रखते हुए जो यहाँ पर परिषद द्वारा NDMC द्वारा जो बनाए गए पिट हैं, गड्ढे हैं जिनमें तालाब के रूप में, उन्हीं में विसर्जन किया जाएगा। पर्यावरण पर ज़्यादा कर जोर दिया जाएगा, पॉल्यूशन का खास ध्यान रखा जाएगा। यमुना नदी में जो है इनका विसर्जन नहीं होगा गणेश जी का। जगह जगह तालाब बनाए हैं NDMC ने, तो इसलिए खासकर हर बार इसी बात पर जोर था कि पॉल्यूशन होने से, यमुना नदी में जहरीले मतलब तत्व होने से जानवरों का भी जिसमें होता था, इसलिए भारत सरकार का खासकर ध्यान है और NDMC का। प्रतिमाओं को बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनाया जाना बेहद जरूरी है। विसर्जन टंकी का पानी बाद में किसी दूसरे काम में लाया जा सके, इसके लिए प्रतिमाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट और केमिकल से बने पेंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के त्योहार में लगे पंडालों में बहुत तेज ध्वनि के साथ संगीत बजाया जाता है। हम सबको मालूम है कि 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि हमें बहरा बना सकती है, इसलिए तेज ध्वनि पर रोक लगाने की जरूरत है। इसकी जगह बिना लाउड स्पीकर के भजन कीर्तन, ढोल, तबला और मृदंग जैसे मधुर ध्वनि वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग करने भी लगे हैं। पटाखों के प्रयोग पर भी पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि इन्हें जलाने से खतरनाक गैस वातावरण में पहुँचते हैं जिनका वृद्ध, बीमार व्यक्ति और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। त्योहारों में प्लास्टिक का बेहद प्रयोग होता है। प्लास्टिक का प्रयोग सजावट और प्रसाद भोजन देने की प्लेट के तौर पर किया जाता है, लेकिन प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण और प्रकृति पर कितना दूरगामी असर होता है यह किसी से भी छिपा नहीं है। जो आते हैं हम उनको यही बोलते हैं कि यहाँ पर पन्नी वगैरह कुछ नहीं, आप कागज़ लाइए, थैला लाइए घर से, जिसके आप भी जागरूक हो, हमें भी परेशानी ना हो, आपको भी परेशानी ना हो। आप जैसे ही आप हमारा सहयोग करेंगे ऐसे हम आपका भी सहयोग करेंगे। जो आपको पता ही है कि कितना है पोल्यूशन, कितना प्रदूषण इस दिल्ली इंडिया में हो रहा है। जिस अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप भी बढ़ावा नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमें देखकर बढ़ावा नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने आप को ही पहले पहल करनी चाहिए, जब ही सब हमें देखकर दूसरे पहल करेंगे। हम जो आता है हम सबको ही कहते हैं जितना हो सके अपने आप को अपने घर से थैला, अपने घर से लिफाफा लेकर चलिए और सामान उसी में ही, प्रसाद वगैरह सब उसी में ही लेकर आइए। हमें गणेश चतुर्थी के साथ साथ सभी पावन पर्व और त्योहारों को प्रकृति का सम्मान करते हुए मनाना चाहिए। साथ ही लोगों को पर्यावरण के लिए सुरक्षित तरीके अपनाने को लेकर जागरूक करना चाहिए।
23 साल से हम बिठा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा एको फ्रेंडली बिठाते हैं और हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसमें फूल माला हो रहे हैं, हम मिट्टी में उसको दबा देते हैं, शुरू से ऐसा ही करते आ रहे हैं। और ये हमारी मिट्टी के जो हम बनवाते हैं तो हम विसर्जित जो करते हैं तो वो घुल जाती है, और जो कलर है तो वो भी ऐसा है कि मतलब नुकसानदेह नहीं है पर्यावरण को। 23 साल से मतलब हम ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। हमारे यही छोटे छोटे प्रयास पर्यावरण को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपना साइट देख कर आए हैं, हमें नेताजी नगर का वो मिला है, परमिशन मिली है, तो वहीं पर ही हम देख कर आए हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं, वहीं विसर्जन करेंगे। वहाँ पर उन्हें हमारे लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है और हम पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ पर विसर्जन करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि ये तो हम जाते हैं तो वहाँ पर तो खूब नदी होती है, हमारे गणपति चले जाते हैं, अब ये इतना छोटे से गड्ढे में हम अपने गणपति कैसे वो करेंगे। तो उन्होंने बोला ये थोड़ा सा ही पानी है लेकिन ये इसमें समा जाएंगे, फिर हम उसके ऊपर से इसको मिट्टी से ढक देंगे, धीरे धीरे ये इसमें गल जाएंगे, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और आपका जो गणपति सही से विसर्जन भी हो जाएगा। धार्मिक पर्व और त्योहारों का हमारे जीवन में महत्व बहुत ज्यादा होता है। जाने अनजाने में हम प्रतिमाओं के निर्माण, सजावट और विसर्जन में ऐसे काम करते हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक होकर गणेश चतुर्थी और दूसरे त्योहारों में कुछ सकारात्मक प्रयास करें तो हम सब मिलकर पर्यावरण, जल स्रोतों और वायुमंडल को सुरक्षित रख सकते हैं।